स्टार्ट में हमें 1973 का एक सीन दिखाया जाता है और यहाँ पे हमें मैडम वेब को दिखाया जाता है जो कि अमेज़न के जंगल में एक खास किस्म की स्पाइडर को सर्च कर रही होती है। एक ऐसी स्पाइडर जिसके वेनम से न्यूरोमस्कुलर समेत कई बीमारियों का इलाज किया जा सकता है और इस सच में उनका पार्टनर एस्किल उनके साथ होता है। वेब कॉन्स्टेंट वेब का ये मानना है कि इस स्पाइडर को ढूंढकर वो कई बीमारियों का इलाज कर सकती है और मिलियंस ऑफ पीपल ठीक हो सकते हैं, लेकिन एस्किल तो कुछ और ही सोच रहा था। उसका मानना है कि इस स्पाइडर की मदद से मसल्स को काफी ज्यादा स्ट्रांग बनाया जा सकता है जिससे इंसान में सुपर पावर आ जाती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मैडम वेब को वो स्पाइडर मिल जाती है लेकिन उनका पार्टनर एस्किल उन्हें धोखा देता है और शूट करके स्पाइडर लेके वहां से चला जाता है, जबकि मैडम वेब प्रेग्नेंट हैं और मुकामी लोग उन्हें लेकर एक केव में जाते हैं जहां पर उन्हें उस खास स्पाइडर का वेनम लगाया जाता है और यहां पर मैडम वेब को बेबी गर्ल पैदा होती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और 2003 में आ जाता है जहां पे हम देखते हैं अपनी मूवी की मेन कैरेक्टर कैसी को। कैसी एक पैरामेडिक है और उनका पार्टनर बेन इस वक्त वो दोनों एक पेशेंट को लेके एम्बुलेंस में जा रहे होते हैं और उसकी जान बचा लेते हैं। मतलब कि ये दोनों मिलकर काफी अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन कैसी को फैमिली सिस्टम के बारे में बिल्कुल कुछ मालूम नहीं है और उनका सिर्फ एक ही दोस्त है बेन। यहाँ तक कि उन्हें तो अपने पेशेंट्स के नाम भी याद नहीं रहते और उन्हें अपने पेशेंट की तरफ से थैंक कहना भी पसंद नहीं, वो सिर्फ अपने काम के साथ लॉयल है। आज वो जिस फीमेल लेडी की जान बचाती है उनकी स्टेप डॉटर कैसी को थैंक्स कहती है, लेकिन कैसी काफी वियर्ड बिहेव करती है। ओके, तो नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि कैसी अब अपने अपार्टमेंट में वापस जाती है और यहाँ पर वो अपनी मदर की चीजों को देखती है जो कि वही चीजें होती हैं जो कि मैडम वेब की थी और उनकी पिक्चर्स और बुक्स कैसी देखती है। अब कैसी को पता चलता है कि ब्रिज पर किसी शख्स का एक्सीडेंट हुआ है तो कैसी और उसका पार्टनर बेन ब्रिज पर उसकी जान बचाने के लिए जाते हैं। वो शख्स तो बच जाता है लेकिन कैसी ब्रिज से नीचे पानी में गिर जाती है। यहाँ पर उसे कुछ अजीब से विजुअल नजर आते हैं जो बिल्कुल एक स्पाइडर वेब की तरह होते हैं। कुछ देर बाद बेन कैसी को पानी से बाहर निकाल लेता है और CPR देने से कैसी होश में आ जाती है, लेकिन वो होश में आने से पहले 3 मिनट के लिए मर गई थी। वो होश में आने के बाद कुछ ही सेकंड्स में पूरी तरह से ठीक हो जाती है। बेन जो कि कैसी को चेक करना चाहता है कि क्या वो ठीक है, पानी से निकालने के बाद कैसी का ऑक्सीजन लेवल 79 होता है और बेन कैसी से कहता है कि मेरा ख्याल है कि तुम्हें रियल हॉस्पिटल में रियल डॉक्टर को दिखाना चाहिए, तुम्हारा ऑक्सीजन लेवल बहुत कम है। लेकिन कैसी कहती है मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कोई मसला नहीं है। और हम देखते हैं कि कुछ ही सेकंड्स में कैसी का ऑक्सीजन लेवल 89 पर आ जाता है और कैसी कहती है देखा मैंने कहा था ना मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कोई मसला नहीं है। लेकिन बेन दोबारा से कैसी को कहता है कि तुम्हारा ऑक्सीजन लेवल 79 पर है और वो दोबारा सेम लाइन रिपीट करता है उसी तरह से कि तुम्हें एक रियल हॉस्पिटल में रियल डॉक्टर को दिखाना चाहिए। तो कैसी कहती है क्या दोबारा अगेन वही बात, तो बेन कहता है क्या मतलब तुम्हारा ऑक्सीजन लेवल 79 पर है, तो कैसी कहती है नहीं मेरा ऑक्सीजन लेवल तो 89 है। तभी हम देखते हैं कि कैसी का ऑक्सीजन लेवल दोबारा से 89 पर आता है। कैसी को तो कुछ समझ नहीं आई कि सेम सीन सेम बात कैसे रिपीट हुई, लेकिन खैर। और सीन यहाँ से शिफ्ट होता है और अब हम देखते हैं एस्किल को जो कि एक ओपरा हॉल में जा रहे होते हैं और यहाँ पर वो एक लेडी को इम्प्रेस करते हैं और उसे लेकर अपने अपार्टमेंट में या अपने घर आ जाते हैं। और तभी रात को एस्किल को एक बुरा सपना आता है जिसमें वो देखते हैं कि 3 सुपर गर्ल्स जो कि एस्किल से ज्यादा ताकतवर है वो एस्किल से उसकी स्पाइडर ले लेती हैं और उसे मार देती हैं। ये बुरा सपना देखकर एस्किल की आंख खुल जाती है और उसकी न्यूली गर्लफ्रेंड उससे पूछती है कि क्या हुआ है। वो बताता है कि सेम बैटरी जो मुझे हर रात आता है और ये कोई ड्रीम नहीं है बल्कि मेरी सुपर पावर्स मुझे बता रही हैं कि एक दिन फ्यूचर में ये 3 सुपर गर्ल्स मुझे मार देंगी। लेकिन उससे भी बुरा ये है कि मैं हर रात सपने में इन 3 सुपर गर्ल्स के हाथों मरता हूँ जो कि मेरे लिए बहुत ज्यादा स्केरी है, टॉर्चरिंग है। तो मैं चाहता हूँ कि इन सुपर गर्ल्स को जिनको मैं अपने सपने में देखता हूँ उन्हें मैं ढूंढूं और इससे पहले कि वो मुझे मारे मैं उन्हें मार दूं। लेकिन वो गर्ल पूछती है कि सपने में देखी हुई गर्ल्स को तुम कैसे रियलिटी में ढूंढ सकते हो। इस पे एस्किल कहता है कि एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो सिर्फ नेशनल सिक्योरिटी के पास है जिसके जरिए किसी भी चेहरे को किसी भी जगह पर ढूंढा जा सकता है। तो अब हमें पता चलता है कि ये न्यूली गर्लफ्रेंड नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी से है और एस्किल ने उसे इसी मकसद के लिए तो सेट किया है। गर्ल गन निकालने लगती है लेकिन एस्किल उसे टच करता है जिससे वो अपना न्यूरोटॉक्सिक वेनम उसके सिस्टम में छोड़ देता है और उससे उसका पासवर्ड पूछता है। गर्ल मरने से पहले एस्किल को नेशनल सिक्योरिटी का पासवर्ड बता ही देती है। और दूसरी तरफ कैसी जो कि बेन की सिस्टर इन लॉ की पार्टी में आती है और ये लोग एक गेम खेलने लगते हैं। क्या होता है कि एक बलून जो कि फटता है और उसकी आवाज से सब हंसने लगते हैं और मैरी कैसी से पूछती है कि एनी गेसेस मेरे होने वाले बेटे का नाम क्या है। तो कैसी उसे नाम बताती है, बेन इस पे पैरी हंसने लगती है और कहती नहीं। और मैरी जैसे ही नाम बताने लगी है तो बलून दोबारा से फटता है और मैरी दोबारा से पूछती है कि एनी गेसेस कि मेरे होने वाले बच्चे का नाम क्या है। इस पे कैसी कहती है सीरियसली क्या ये गेम का हिस्सा है, अभी तो तुमने मुझसे नाम पूछा था। कैसी जो है वो काफी हैरान है, उसे ऐसे लगता है कि जैसे ये सीन उसके सामने रिपीट हुआ है। तभी बेन कैसी को एमरजेंसी के लिए बुलाता है। क्या है कि एक बिल्डिंग में आग लगी है और काफी लोग जख्मी है, तो कैसी जल्दी से वहां पर चली जाती है और एक शख्स को CPR दे रही होती है। और तभी वहां पर उसका सुपीरियर ओनील आता है और कैसी की आईज के सामने एक ऐसा सीन आने लगता है जिसमें वो असल में अपने बॉस ओनील को CPR दे रही है जिसका अभी एक्सीडेंट हुआ है। और वो पूरा एक्सीडेंट का सीन कैसी की आंखों के सामने आता है और उसके हाथों पर ब्लड लगा हुआ है और फिर टाइम दोबारा से वापस आता है और कैसी ये देखती है कि वो पहले ही शख्स को CPR दे रही होती है। यानी अब उसे थोड़ा सा शक पड़ रहा है कि शायद मैंने फ्यूचर देखा है और फ्यूचर में ओनील का एक्सीडेंट होने वाला है। और तभी हम देखते हैं कि ये शख्स जिसको कैसी CPR दे रही होती है ये होश में आ जाता है और कैसी अपने बॉस के पास जाती है। ओनील के पास जाके वो उसे कहती है कि मैं चाहती हूँ कि मैं एम्बुलेंस ड्राइव करूँ, आप एम्बुलेंस ड्राइव ना करें। लेकिन ओनील उसकी बात नहीं मानता और वो जैसे ही एम्बुलेंस लेके निकलता है उसी तरह से उसका एक्सीडेंट एक ट्रक के साथ हो जाता है और
ऐसी उसी तरह से उसको CPR देती है जिससे उसके हाथ पर ब्लड लग जाता है और वो सारा सीन जो पहले हुआ था वो दोबारा से रिपीट होता है। लेकिन कैसी ये सोचती है कि अगर वो चाहती तो वो इस सीन को बदल भी सकती और उसे ऐसे लगता है कि जैसे उसने फ्यूचर देखा था। और अब सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि एसकिल ने नेशनल सिक्योरिटी में एक्सेस कर लिया और उसने उन 3 गर्ल्स की फिगर तैयार की है जिन्हें वो सपने में देखा था। तो अब वो और उसकी असिस्टेंट जो एक टेक्नीशियन है वो उन 3 गर्ल्स को फाइंड आउट तलाश कर रहे हैं। हर फोन कॉल, हर कैमरा, हर बायोडेटा, हर जगह पर नेशनल सिक्योरिटी की एक्सेस है और इस सिस्टम के जरिए जो कि इतना सुपर एडवांस है उन गर्ल्स को सर्च किया जा रहा है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कैसी जो कि अपने डबल विजन की वजह से परेशान है वो डॉक्टर के पास अपना चेकअप करवा रही है लेकिन उसे पता चलता है कि वो पूरी तरह से नॉर्मल है। लेकिन वो डॉक्टर को बताती है कि मुझे ऐसा लगता है कि जो भी कुछ फ्यूचर में होने वाला होता है गलत, मुझे उसका पहले ही एक विजन नजर आ जाता है। लेकिन डॉक्टर उसे कहती है कि तुम्हारी MRI रिपोर्ट और हर किस्म की रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल है। मैं तुम्हें रिकमेंड करूंगी कि तुम कुछ दिन अपनी जॉब से ब्रेक लो, तुम्हें ओनील की डेथ का दुख है, ओल्ड मूवीज देखो तो तुम बिल्कुल ठीक हो जाओ। अब हम देखते हैं कि कैसी जो कि अपने अपार्टमेंट में होती है और टीवी पर एक ओल्ड मूवी देख रही होती है, तभी एक पिजन उसकी विंडो से आके टकराता है और मर जाता है। कैसी उसे देखने के लिए उठती है, कांच टूटा होता है, लेकिन जैसे ही कैसी विंडो ओपन करती है तो वो पिजन वहां से गायब हो जाता है। और कैसी ये नोट करती है कि जो कुछ उसने उठते समय किया था, टीवी ऑफ किया था, ओवन से खाना निकाला था, टीवी दोबारा से ऑन हो गया और ओवन फिर से बीप कर रहा है। तो कैसी सोचने लगती है कि हो सकता है पिजन दोबारा से वापस आए, तो कैसी इस बार विंडो ओपन कर देती है और वो पिजन अचानक से उस विंडो से अंदर एंटर होता है जिससे कैसी डर जाती है। लेकिन अब उसे समझ आ जाती है कि जब भी कुछ गलत होने वाला होता है तो उसके अंदर कुछ ऐसी पावर है कि उसे एक विजन नजर आता है उसका, लेकिन वो उसे चेंज भी कर सकती है जो कुछ भी फ्यूचर में होने वाला है। और इसी वजह से वो पिजन मरता नहीं है बल्कि बच जाता है। इट्स मीन कि कैसी ने फ्यूचर चेंज कर दिया है। ओके, तो नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि अब कैसी पोगेप्सी जाने के लिए ट्रेन स्टेशन पर जाती है और तभी एस्किल को वो 3 गर्ल्स आनिया, जूलिया और मैटी भी उसी ट्रेन स्टेशन पर नजर आते हैं उसके नेशनल सिक्योरिटी के कैमराज में। तो एस्किल अब उन्हें मारने के लिए ट्रेन स्टेशन की तरफ जा रहा है लेकिन वो इस बात पर हैरान है कि ये तीनों लड़कियां सेम टाइम पर सेम स्टेशन पर सेम ट्रेन में क्यों है। अब हम देखते हैं कि कैसी जैसे ही ट्रेन में जाकर बैठती है तो अगले ही लम्हे ट्रेन बहुत स्पीड में चल रही होती है और सामने बैठा हुआ शख्स एक बात कहता है, न्यूयॉर्क सिटी इज क्रेजी दिस डेज। ओके, और तभी ट्रेन फिर से रुक जाती है जैसे वो पहले चली ही नहीं। इट्स मीन कि कैसी को अब विजन्स नजर आ रहे हैं कि कुछ गलत होने वाला है। तभी वो बार बार सेपरेट विजन्स देखने लगती है जिसमें वो शख्स ये लाइन दोबारा रिपीट करता है और इसके बाद आनिया, फिर जूलिया और फिर नेक्स्ट विजन में मैटी को एक शख्स बुरी तरह से मार देता है इन तीनों को। अब कैसी जो कि बहुत ज्यादा घबरा रही है वो इस ट्रेन से उतरना चाहती है लेकिन जैसे ही वो उतरने के लिए डोर के करीब होती है तो वो देखती है कि वही शख्स ट्रेन की बैक साइड से इस तरफ आ रहा है। अब कैसी ये जानती है कि वो फ्यूचर को बदल सकती है तो वो आनिया, जूलिया और मैटी को कहती है कि इट्स एन इमरजेंसी, इमरजेंसी है, आप ट्रेन से नीचे उतर जाओ। तो वो जल्दी से उनको ट्रेन से नीचे उतार देती है लेकिन ये तीनों लड़कियां सोचती हैं कि शायद कैसी उन्हें अबडक्ट करना चाहती है तो वो शोर मचाने लगती हैं। अब कैसी को बार बार फ्यूचर के विजन नजर आ रहे होते लेकिन तभी वो किलर एस्किल इन तीनों लड़कियों को मारने के लिए एक स्पाइडर सूट पहन के वहां पर आता है और वो सीलिंग के साथ रेंग रहा होता है लेकिन किसी तरह से बचकर कैसी इन तीनों लड़कियों को लेकर वहां से दूर चली जाती है। और तभी वो रेडियो पर सुनती है एक वार्निंग जिसमें उसे पता चलता है ये सब लोग ये समझ रहे हैं कि कैसी ने ही इन तीनों लड़कियों को अबडक्ट किया है और कैसी किसी ना किसी तरह से इन तीनों लड़कियों को जानती है या वो कभी इनसे मिली है, जैसे कि जूलिया की स्टेप मदर की उसने जान बचाई थी। और यहाँ पर ये गर्ल्स उससे पूछती है कि तुम्हें कैसे पता कि वो शख्स हमें मारना चाहता था, तुम्हारे पास कोई सुपर पावर्स हैं क्या। कैसी उन्हें बताती है कि मैं फ्यूचर देख सकती हूँ। तो वो पूछती है कि बताओ अब आगे क्या होगा लेकिन कैसी उनसे कहती है नहीं, ये इस तरह काम नहीं करता, मैं अपनी मर्जी से विजन नहीं देख सकती लेकिन जब भी कुछ गलत होने वाला होता है मुझे उस टाइम विजन नजर आता है। तभी इन्हें समझ आती है कि वो शख्स एक स्पाइडर पर्सन की तरह था और वो सीलिंग पर चल रहा था। तो कैसी को याद आता है कुछ ऐसा ही उसकी मदर की चीजों में भी था। तो वो अपने अपार्टमेंट में अपनी मदर की चीजें देखने के लिए चली जाती है और इन गर्ल्स को यहाँ पर ही छोड़ देती है 3 आवर्स के लिए कि वो यहाँ पर इस जंगल में छुपी रहेंगी जब तक कि कैसी वापस ना आ जाए। और अपनी मदर की बुक पढ़ के उसे पता चलता है कि अमेज़न के जंगल में जो लोकल्स रहते हैं उनके मुताबिक एक खास किस्म की मकड़ी है जिसके वेनम में सुपर पावर्स हैं और जो भी शख्स उसके वेनम को यूज करता है उसमें सुपर ह्यूमन एबिलिटी आ जाती है और वो दीवारों पर भी चल सकता है, ज्यादा फास्ट और बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है। और वो अपने आप को टेस्ट करती है लेकिन उसे पता चलता है उसमें इस किस्म की एबिलिटी तो नहीं है। इसके बाद वो एक लास्ट एबिलिटी पढ़ती है जिसपे लिखा होता है 6th sense। इसमें इनके कुछ लोग उनमें बहुत ही रेयर किस्म की एबिलिटी आती है कि वो फ्यूचर को देख सकते हैं। और अब उसे पिक्चर देख के पता चलता है कि एस्किल में वो एबिलिटी अमेज़न के जंगल से आई है क्योंकि वो उसकी मदर के साथ वहां पर मौजूद था। कैसी में विजन देखने की एबिलिटी आई है यानी अब उसे पता चल चुका है कि ये उसकी 6th sense है जो इंक्रीज हो गई है और वो फ्यूचर देख सकती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि इन तीनों लड़कियों को भूख लगी थी और ये एक रेस्टोरेंट में जाती है और तभी पीछे जंगल में कैसी आ जाती है जो इन्हें ढूंढने लगती है। और तभी कैसी को विजन नजर आता है कि वो किलर उसे और इन लड़कियों को मार देता है जब कैसी जंगल के रास्ते उन्हें लेने के लिए उस रेस्टोरेंट में जाती है। तो अब कैसी क्या करती है कि फ्यूचर को बदलने के लिए अपनी कार में वो लॉन्ग रूट से उस रेस्टोरेंट की तरफ जाती है और जैसे ही किलर रेस्टोरेंट में एंटर होता है तो वो अपनी कार से उसे हिट करती है और इन 3 गर्ल्स को लेकर एक बार फिर से वहां से भागने में कामयाब हो जाती है और उन्हें अपने दोस्त बेन के पास छोड़कर हाइड आउट में और खुद कैसी अमेज़न के जंगल में जाती है। वो ये देखना चाहती है कि उसकी मदर के साथ यहां पर क्या हुआ था। और जैसे ही वो यहां पर पहुंचती है तो एक शख्स उसे मिलता है जो कि यहां का लोकल होता है
है और वो उसे सारी बात बताता है, जिस पर कैसी को पता चलता है कि उसकी मदर उसे ही बचाने के लिए यहाँ पर आई थी, क्योंकि कैसी का न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर था बिफोर बर्थ। और जब स्पाइडर ने कैसी की मदर को काटा था तो कैसी बिल्कुल ठीक हो गई, और ये वही बेबी है जो मैडम वेब की बेबी थी, जिसे हमने मूवी के शुरू में देखा था। कैसी जब वहां से वापस आती है तो उसे पता चलता है कि मैवी जो कि बेन की सिस्टर इन लॉ है, उसे बेबी डिलीवरी की वजह से एमरजेंसी में बेन और तमाम गर्ल्स लेकर हॉस्पिटल की तरफ जा रही, और तभी कैसी एम्बुलेंस में उनका पीछा करने लगती है। लेकिन इससे पहले कि कैसी उन तक पहुंचती, वो किलर उन तक पहुंच जाता है, लेकिन कैसी किस तरह से उनको बचाने और वहां से निकालने में कामयाब हो जाती है। और वो कुछ दूर ही जाती है कि उसकी एम्बुलेंस खराब हो जाती है, लेकिन पास ही एक एक्सप्लोजन की फैक्ट्री होती है, तो कैसी उन गर्ल्स को लेकर उस फैक्ट्री में चली जाती है। वो जानती है कि उसके पीछे किलर आ रहा है, तो वो गर्ल से कहती है कि जितनी जल्दी हो सके इन तमाम एक्सप्लोजिव को आग लगा दो, इससे हम किलर की स्पीड डिले करने में कामयाब हो जाएंगे। और वो बार बार फिर से फ्यूचर देखने लगती है। अब वो फ्यूचर में देख चुकी है कि इन एक्सप्लोजन की वजह से कौन सी चीज किस जगह से टूटेगी और कहां पर गिरेगी, लेकिन किलर जो कि काफी ताकतवर है वो इन चीजों से बचता हुआ कैसी और उसके दोस्तों को पकड़ लेता है। लेकिन यहां पर कैसी अपनी एक्स्ट्रा एबिलिटीज का यूज करके और एक ही वक्त में तीन जगहों पर वो इन गर्ल्स को बचाती है, और लास्ट में हम देखते हैं कि कैसी बिलबोर्ड के ऊपर चल जाती है, और क्योंकि उसने फ्यूचर देखा है तो वो किलर को एक ऐसी जगह पर लेके जाती है जहां पे उसको पता था कि ये अभी टूटने वाली है और किलर नीचे गिर जाएगा। तो ऐसा ही होता है, किलर नीचे गिरता है और मर जाता है, लेकिन कैसी जो कि उस बिलबोर्ड से उतरना चाह रही थी वो भी नीचे गिरती है, लेकिन वो पानी में गिरती है और एक्सप्लोजन उसके फेस पे लगते हैं। और अब नेक्स्ट एक्स्ट्रा सीन में हम देखते हैं कि कैसी जिसकी आई साइट जा चुकी है, लेकिन वो फ्यूचर देखने की वजह से और अपनी सिक्स सेंस की वजह से ऐसी चीजें देखती है जो कोई भी नहीं देख सकता, और वो प्रेडिक्ट करती है कि फ्यूचर में ये थ्री गर्ल्स सुपर हीरो होंगी, जो कि शायद नेक्स्ट मूवी में होगा नेक्स्ट पार्ट में। और कैसी अपनी फिजिकल एबिलिटी भी लूज कर चुकी है, यानी अब वो चल फिर भी नहीं पाती है, और वो एक व्हील चेयर का यूज करती है। यहाँ पर हमारी मूवी की स्टोरी खत्म हो जाती है।